मैं आज बात करने वाली हूँ मिस्टर बिट्टू डॉट खुशी राय के बारे में। फन उसका है चैनल का नाम। मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती है, ये अपनी जो है खुशी राय, पहले एक्टर थी, इन्होंने 3 मूवी भी बनाई हैं, लेकिन शादी लव मैरिज कर ली है तो इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती, मतलब ससुराल में प्रॉब्लम हो रही है। ससुराल में तो प्रॉब्लम सबको होती है, क्या आपको और हमको नहीं होती है? सबको होती है, क्योंकि हम पहले अपनी मम्मी के यहाँ पर रहते हैं तो हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, और शादी के बाद में आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बच्चे की भी, वाइफ हस्बैंड की भी, और अपनी तो रहती है, और घर वाले हैं तो घर वाले की भी रहती है। तो फिर ये इतना रोती क्यों है? ऐसे तो ये सिंपैथी गेन कर रही हैं। तो मेरा सिर्फ कहना ये है कि ये इतना रो रो के 2 लाख इन्होंने सब्सक्राइबर कर लिए हैं, सामान इनके पास आ ही जाता है, तो क्या जब ये पॉपुलर हो जाएंगी ये उन लोगों को याद रखेंगी जो इनकी इस समय पे हेल्प कर रहे हैं? किसको परेशानी नहीं आती ससुराल जाने के बाद में? सबको आती है, हमारे उठने बैठने खाने सब सोने तक का ढंग सब कुछ डिफरेंट रहता है। मेरे को ये वीडियो यहीं पर करनी पड़ेगी, पॉज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए बारिश आ रही है। तो अभी मैं जो है वीडियो कंटिन्यू करूँगी कमरे में जाकर। अभी मैं चलती हूँ कमरे के अंदर। अथर चलो अंदर आओ, बारिश आ रही है ना। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करूँगी। तो मैं बात कर रही थी मिस्टर बिट्टू डॉट खुशी फन के बारे में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन अपने ससुराल, अपने मम्मी के यहाँ से अपने ससुराल में गया और किस चीज़ को प्रॉब्लम नहीं हुई है। एक्चुअली में सभी को प्रॉब्लम होती है। अथर बोतल से मत खेलो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर मेरी वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।